सभी को गुड मॉर्निंग आज हम डिस्कस करते हैं कंप्यूटर के जो रिसेंटली एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन थे कंप्यूटर के उसको डिस्कस करते हैं तो फर्स्ट है माइक्रोफोन इज एन एग्जांपल ऑफ विच अमंग द फॉलिंग जो माइक्रोफोन है ये किसकी एग्जांपल है ये इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है तो माइक्रोफोन क्या है माइक्रोफोन इज ए इनपुट डिवाइस आंसर इज ए माइक्रोफोन क्या है ये एक इनपुट डिवाइस है जो हमारा स्पीकर रहता है स्पीकर क्या है स्पीकर इज ए आउटपुट डिवाइस इनमें स्पीकर और माइक्रोफोन दोनों में कंफ्यूजन रहता है इसलिए माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस है और जो स्पीकर रहता है, ये आउटपुट डिवाइस इन द मैक एड्रेस ऑफ ए कंप्यूटर मैक इज एन एक्रोनाइम फॉर विच ऑफ द तो मैक्रोनिम का फुल फॉर्म क्या है मैक एड्रेस में कंप्यूटर के मैक एड्रेस में ये मैक, मैक का फुल फॉर्म क्या है मीडिया असेस कंट्रोल मीडिया असेस कंट्रोल इज द फुलच वंग इज ए टाइप ऑफ स्कैनर जो स्कैनर है वो कौन सी टाइप है तो स्कैनर क्या है ड्रम स्कैनर जो हमारे स्कैनर रहते हैं ये क्या कौन से है ये इनपुट डिवाइस है जो स्कैनर है इनपुट डिवाइस है ये एक डिजिटाइजर है डिजिटाइजर है ये कन्वर्ट करता है किसके एनालॉग सिग्नल को डिजिटल फॉर्म में तो क्या है जो स्कैनर है हमारे इनपुट डिवाइस है इसमें कौन सा टाइप है स्कैनर का ड्रम स्कैनर व्हिचAmong the following is a keyboard shortcut to go to डाटा टैब इन एम एस एक्सएल एम एस एक्सएल में डाटा टैब कौन सी है डाटा डाटा टैब कौन सी है शॉर्टकट की क्या है डाटा टैब की तो क्या है शॉर्टकट की अल्ट प्लस ए अल्ट प्लस ए जो क्या है ये शॉर्टकट की है किसकी डाटा टैब की एम एस एक्सएल में इन एमएस एक्सएल तो कौन सी टैप को सिलेक्ट करना पड़ेगा तो कौन सी टैप है हमें कहा जाना पड़ेगा इंसर्ट में इंसर्ट में जाने के बाद हम स्क्रीन शॉट को एड कर सकते हैं फॉलिंग इज द शॉर्ट कार्ट टू ओपन द डिजाइन टैप ऑन द रिबन इन दस पावर पॉइंट एम एस पावर पॉइंट में जो डिजाइन टैप डिजाइन टैप का शॉर्टकट क्या है जो डिजाइन टैप को ओपन करना है तो उसका शॉर्टकट क्या है तो क्या है अल्ट प्लस जी अल्ट प्लस जी हम प्रेस करेंगे तो हमारा हम ओपन होगा हमारा डिजाइन टैप ऑन द रिबन इन एमएस पावर पॉइंट में आंसर सी इन एमएस पावर पॉइंट हाउ कैन वी चेंज द डाटा इन एन एग्जिस्टिंग चार्ट हम एग्जिस्टिंग चार्ट में एम एस पावर पॉइंट में डाटा को चेंज कैसे कर सकते हैं तो क्या करते, कैसे कर सकते हैं जब हम डबल क्लिक करेंगे चार्ट डाटा में आंसर इज बी डबल क्लिक द चार्ट डाटा वी कैन चेंज द डाटा इन एग्जिस्टिंग चार्ट विच आर द फॉलिंग इज द फुल डाटा कम्युनिकेशन सर्विस जी पी आर एस तो जीपीआरएस का जो डाटा डाटा कम्युनिकेशन सर्विस है जे इसका फुल फॉर्म क्या है तो इसका फुल फॉर्म है जनरल पैकेट रेडियो सर्विस जनरल पैकेट रेडियो सर्विस इज द फुल फॉर्म ऑफ जीपीआरएस द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ ए फाइल ऑन द डिस्क इज नोन एज जो एग्जैक्ट लोकेशन रहता है किसी फाइल का डिस्क में तो उसको क्या कहते हैं हम पाथ आंसर इज सी एग्जैक्ट लोकेशन फाइल का करना है हमें तो कहाँ मिलेगा आपको उसको so क्या कहेंगे डिस्क का तो उसको कहेंगे पाथ टू अप्लाई ए डिफाइंड स्लाइड लेआउट टू ए पर्टिकुलर स्लाइड इन एमएस पावर पॉइंट टू गो लेआउट अंडर टैब अगर हमें स्लाइड शो डिफाइन करना है इन एमएस पावर पॉइंट में तो कौन से टैब में जाना पड़ेगा तो कौन सा है होम अगर अप्लाई करना हमें स्लाइड शो में पर्टिकुलर स्लाइड का एमएस पावर पॉइंट में तो कौन से लेआउट में जाना पड़ेगा कौन सी टैब में जाना पड़ेगा होम टैब में विच आर द फॉलोइंग टाइप ऑफ डिवाइस इज ए ट्रैक बॉल तो कौन सा इसमें से ट्रैक बॉल है तो क्या कौन सा है डिवाइस जो है वो ट्रैक बॉल है पॉइंटिंग डिवाइस पॉइंटिंग डिवाइस इज ट्रैक बॉल

विच फॉलोइंग इज ए शॉर्टकट टू हाइड द सिलेक्टेड कॉलम इन एमएस एक्सएल एम जो कौन सा शॉर्टकट की है जिसमें हम हाइड कर सकते हैं सिलेक्टेड सिलेक्टेड कॉलम कॉलम को हाइड करने के लिए एम एस एक्सएल में कौन सा शॉर्टकट की है तो किसको प्रेस करते हैं हम कंट्रोल प्लस जीरो प्लस जीरो को हम प्रेस करेंगे तो हाइड होगा हमारा सिलेक्टेड कॉलम इन एम एक्स एक्सल में अगर हाइड करना है हमें इसको रोज को अगर रोज को हाइड करना है तो कौन सा शॉर्टकट की है एमएस एक्सल में कंट्रोल प्लस नाइन कंट्रोल प्लस नाइन हम प्रेस करेंगे तो हाइड होगी हमारी सिलेक्टेड रोज इन्हें एम एस में विच आर द फॉलोइंग इज एंड आर एग्जाम्पल आउटपुट डिवाइस इसमें से आउटपुट डिवाइस कौन से है तो कौन सा है? प्रोजेक्टर हमारा आउटपुट डिवाइस है एलईडी मॉनिटर आउटपुट है प्रिंटर आउटपुट है तो ऑल ऑल ऑफ ऑफ आर आउटपुट डिवाइस दू इंटर द फॉलोइंग इज द द शॉर्टकट टू एंटर करंट टाइम इन इन ए एमएस एक्सएल में एमएस एक्सएल में करंट टाइम टाइम को इंटर करने के लिए हमारा कौन सा शॉर्टकट की है तो कौन सा शॉर्टकट की है हमारा टाइम का कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन आंसर सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन और हमें इं, इंटर करना है करंट डेट का करंट डेट का इंटर करना है तो क्या करना पड़ेगा हमें कौन सा शॉर्टकट है की है उसका कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन जी किसका है शॉर्टकट की डेट का प्रेसिंग कंट्रोल कंट्रोल एंड एंड इक्वल साइन एट द सेम टाइम इज शॉर्टकट फॉर विच अमंग फॉलिंग अगर हम प्रेस करते हैं कंट्रोल और इक्वल साइन को सेम टाइम में है तो उससे क्या होता है उसको क्या होता है उससे कौन सा शॉर्टकट की से क्या होता है इसको कंट्रोल प्लस इक्वल साइन प्रेस करने से सब्सक्रिप्शन आंसर बी सब्सक्रिप्शन के लिए हम प्रेस करते हैं कंट्रोल प्लस इक्वल साइन वाइल डिलीवरिंग एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इन ए स्लाइड शो विच आर द फॉलिंग शॉर्टकट की यू टू डिस्प्ले द कंटेस्ट मीनू अगर हम जब डिलीवरी करते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को एमएस में एमएस पावर पॉइंट को हम डिलीवरी करते हैं तो क्या होता है जो कौन सा शॉर्टकट की है उसमें इस्तेमाल करते हैं क्या करें डिस्प्ले द कंटेस्ट मीनू अगर डिस्प्ले करना है कंटेस्ट मीनू को तो उसको कौन सा की को हम प्रेस करते हैं तो कौन सा की है शिफ्ट प्लस एफ टेन इसका शॉर्टकट की है क्या करने के लिए डिस्प्ले करना कंटेस्ट मीनू को जब हम एम एस पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन शो को करते हैं िंटेड कॉपी इज कॉल्ड है जो प्रिंटेड कॉपी है इसको क्या कहते हैं ओनली हार्ड कॉपी जो प्रिंटेड कॉपी है ओनली इसको क्या कहते हैं हार्ड कॉपी प्रिंटर जो प्रिंटर जो है हमारे आउटपुट वाइस ए डैश डैश इज ए कलेक्शन ऑफ डिजाइन चाइस दैट इंक्लूड कलर फोन एंड स्पेसिफिक्वाइंट वो कौन सा दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन है जो कलेक्शन करते हैं डिजाइन चाइस कलर्स फ़ॉन्ट है ना उसको क्या कहते हैं हम थीम्स थीम है ये इसमें ऑलरेडी बना रहता है डिजाइन तो उसको हम यूज कर सकते हैं पावर पॉइंट में इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल थैंक्स फॉर वॉचिंग